गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है। आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण या अर्ध समीकरण किसे कहते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण या अर्ध समीकरण या आंशिक समीकरण आयन इलेक्ट्रॉन इक्वेशन आर हाफ रिएक्शन आर पार्शियल इक्वेशन गौर से समझिएगा बच्चों, हम आज पढ़ने जा रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण किसे कहते हैं या अर्ध समीकरण किसे कहते हैं या आंशिक समीकरण किसे कहते हैं। गौर से समझिएगा बच्चों, इसमें वे समीकरण क्या बच्चों, वे समीकरण जिसमें केवल ऑक्सीकरण की क्रिया होती है या केवल अपचयन की क्रिया होती है उसे ही हम क्या कह देते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण या अर्ध समीकरण या आंशिक समीकरण हम कह देते हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि वे समीकरण जिसमें केवल या तो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है या तो केवल किसकी क्रिया होती है बच्चों, अपचयन की क्रिया होती है, उसी को हम क्या कह देते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण कह देते हैं। या इसको इस प्रकार से कह देते हैं कि वे समीकरण जिसमें केवल या तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया होती है या तो केवल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया होती है उसे ही हम आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण या अर्ध समीकरण या आंशिक समीकरण कहते हैं। तो हम आप लोगों को लिख करके बता रहे हैं बच्चों, वी समीकरण जिनमें केवल ऑक्सीकरण या केवल अपचयन की क्रिया होती है या बच्चों इसको एक प्रकार से और बताया जा सकता है, या वे समीकरण जिनमें केवल इलेक्ट्रॉन निकलने या केवल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया होती है तो उसे आयन इलेक्ट्रॉन
आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण समीकरण कहते हैं। हम क्या बता रहे हैं आपको बच्चों, हम आपको बता रहे हैं कि वे समीकरण जिसमें या तो केवल ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, या तो केवल अपचयन की क्रिया होती है, या उसमें से केवल इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, या केवल उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, उसे ही हम क्या कह देते हैं बच्चों, आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण या अर्ध समीकरण या आंशिक समीकरण कह देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बच्चों हम आपको एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं, गौर से देखिएगा। एन ए, अभी हम लिख रहे हैं बच्चों एन ए प्लस प्लस वन इलेक्ट्रॉन। देखिएगा बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, क्या निकल रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। देखिए वही लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, अर्थात इसमें केवल ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, अर्थात यह आपका अर्ध समीकरण कहलाया, या आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण कहलाया, या आंशिक समीकरण कहलाया। इसी प्रकार से बच्चों ZN, इसको देखते हैं बच्चों ZN 2 प्लस, क्या बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल गया। क्या हो रहा है बच्चों, इसमें भी देखिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, अर्थात ये भी आपका क्या कहलाया बच्चों, ऑक्सीकरण कहलाया। क्या कहलाया, ऑक्सीकरण कहलाया। समझ में आ गया, केवल ऑक्सीकरण ही हो रहा है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल ले लें तो देखिएगा बच्चों, यफई, अब यहाँ आपका आ गया यफई 3 प्लस प्लस, तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए, ये भी आपका क्या कहलाया बच्चों, ऑक्सीकरण ही कहलाया, ऑक्सीकरण, ये भी आपका क्या कहलाया, ऑक्सीकरण कहलाया। क्लियर हो गया बच्चों। अब इसी प्रकार से और एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ देखिएगा Cl2, क्या बच्चों, Cl2, अब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, यहाँ आपका क्या आ गया बच्चों, 2Cl- आयन। देखिएगा अब यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो यह आपका क्या कहलाया बच्चों, अपचयन कहलाया, अपचयन, ये भी आपका अर्ध समीकरण है। इसी प्रकार से I2 प्लस, कितना इलेक्ट्रॉन बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन, क्या यहाँ बन जाएगा आपका बच्चों, 2I- यहाँ भी आपका ये क्या कहलाया बच्चों, अपचयन कहलाया, अपचयन कहलाया। समझ में आ रहा है बच्चों। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले रहे हैं, MnO4- + 8H++5 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Mn2++4H2O। गौर से देखिएगा बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है आपका, जुड़ रहा है, क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो आपका क्या कहलाया, अपचयन, अपचयन। क्लियर हो गया बच्चों, और अपचयन कहलाया। तो केवल इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, समझ में आ गया, तो ये आपका अपचयन कहलाया, इसमें ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। इसीलिए ये सभी क्रियाएँ कैसी हैं बच्चों, अर्ध समीकरण की क्रियाएँ हैं। क्या है, अर्थात आंशिक समीकरण कह लीजिए या अर्ध समीकरण कह लीजिए। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं बच्चों, Cr2O7 2- + 14H++6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2Cr3++7H2O। इसमें भी बच्चों देखिएगा, केवल आपका अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन हो रहा है, अर्थात ये भी आपका क्या है, अर्ध समीकरण है। इसी प्रकार से चाहे तो बच्चों इसका भी अर्ध समीकरण हम बना सकते हैं, जैसे देखिएगा Na++1 इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया बच्चों, Na ZN2++ दो इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए बच्चों, क्या बन गया, ZN। इसी प्रकार से SN
टू प्लस प्लस दो इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे बच्चों तो क्या बन जाएगा, जेड एन। क्लियर हो गया, यस एन बन जाएगा। तो ये जितने इक्वेशन है बच्चों सभी अर्ध समीकरण है। क्यों अर्ध समीकरण है और क्यों आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण है, क्यों आंशिक समीकरण है? क्योंकि इन सभी समीकरणों में या तो ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है या तो अपचयन की क्रिया हो रही है, अर्थात दोनों एक साथ नहीं हो रही हैं। यदि दोनों एक साथ न हो, केवल या तो आपका ऑक्सीकरण हो या तो केवल आपका अपचयन हो, तो उसे हम आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण या अर्ध समीकरण या आंशिक समीकरण के नाम से जानते हैं। अगर बच्चों समझ में आ गया हो तो इसे नोट डाउन कर लीजिए।